नगीना बाग इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में उसके घर में ही रहने वाले किराएदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी ने 2 महीने के किराए के मामूली से विवाद को लेकर ये हत्या की है। हत्या करने वाली महिला 65 साल की शर्मिला सकदेव है, जिसका बौद्ध विहार इलाके में 2 मंजिला मकान है। शाम को जब वह उस घर में अकेला था तो उसका शव पड़ोसियों को मिला। वन विभाग से सेवानिवृत्त उनके पति का 1 महीने पहले ही निधन हो गया था, जबकि उनकी बेटी जो विवाहित है नागपुर में रहती है। कल दोपहर ऊपरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार से उसका 2 माह के बकाया किराए को लेकर झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में आरोपी अनूप कोहपरे ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। अनूप कोहपरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। काल दिनांक 16/5/2023 से दुपारी 2 ते रात्री 8 वाजता दरम्यान सवारी बंगला चोर खिडकी येथे राहणारी महिला शर्मिला शंकरा सकदेव वय 66 वर्ष ही घरी एकटी असताना कोणीतरी अज्ञात इसमाने तिला मारून तिचा निर्गुण खून केलेला आहे। सदरहू प्रकार संबंधाने आम्ही फिर्यादी कपिल श्रीराम सुरवाडे राहणार सवारी बंगला चोर खिडकी यांच्या फिर्यादीवरून कलम 302 क्रमाने गुन्हा नोंद केलेला आहे। तिला निर्गुण मारहाण केल्यानंतर अज्ञात आरोपीने तिथे असलेल्या CCTV DVR हा सुद्धा काढून नेलेला आहे, त्यामुळे सदर गुन्ह्यात आम्ही 302 आणि 201 सुद्धा लावलेला आहे। या गुन्ह्याच्या तपासात माननीय पोलीस अधीक्षक श्री रवींद्रसिंह परदेस साहेब यांचे मार्गदर्शन तसेच माननीय SDPO श्री नंदनवार यांचे मार्गदर्शनाखाली हा तपास केला आणि अवघ्या रात्रभरामध्ये आम्ही सदर गुन्हा उघडकीस आलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये तिच्याकडेच भाड्याने राहणारा मुलगा अनूप सदानंद ओहपरे वय 25 वर्ष राहणार वडकुली बोडपिंपरी जिल्हा चंद्रपूर ह्यास तपासकामी आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। सदर गुन्ह्यासंदर्भात त्याला अधिक विचारपूस करून आता तपास आम्ही करत आहोत। त्याचा गुन्हा करण्यामागचा उद्देश कशा प्रकारे गुन्हा घडलेला आहे याबद्दल आम्ही तपासादरम्यान सविस्तर माहिती घेत आहोत, परंतु आम्ही काही अवघ्या तासामध्ये आरोपीला निष्पन्न करून ताब्यात घेण्यास यशस्वी ठरलेलो आहोत। यामध्ये आम्हाला आमच्या वरिष्ठांचं मुलाचं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।